इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। बिना लर्निंग लाइसेंस के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है इसे मैं दो पार्ट में बताने वाला हूँ। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस कैसे बनाना है। तो ये है पार्ट नंबर वन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपको अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अपना लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है UPDL। सर्च करते ही आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी parivahan.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, जिसमें आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, यानी कि आपका राज्य कौन सा है। स्टेट चूज करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना है, जिसके लिए आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, इन सभी स्टेज को पूरा करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। पहले स्टेज में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, दूसरे स्टेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, तीसरे स्टेप में आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, चौथे स्टेप में आपको फी पेमेंट करना होगा, पांचवे स्टेप में आपको अपने पेमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद छठे स्टेप में आपको अपने सभी रिसीप्ट को प्रिंट करना होता है और सातवें स्टेप में आपको अपने लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अपना लर्नर लाइसेंस कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे टिक करना होगा एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पहला है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो काफी सारे RTO ऑफिस को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करना है एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना RTO ऑफिस चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपके आधार पे जो भी नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा नाम है सूरज भान यादव, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखूंगा सूरज, मिडिल नेम में लिखूंगा भान और लास्ट नेम में लिखूंगा यादव। नाम फिल करने के बाद अगला ऑप्शन मिलता है रिलेशन का, यहाँ पे आपको रिलेशन चूज करना होगा कि किसका नाम आप फिल करना चाहते हैं। तो चलिए हम फिल करेंगे फादर नेम, तो हम फादर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे आप जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपना चूज करेंगे, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 8th पास, 10+2, 10th, या फिर आप यहाँ पे डिप्लोमा कुछ कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन आपने कम्प्लीट किया है, वो सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, आपको इलिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप चाहे तो अपना एक ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर पे अगर कोई भी चिन्ह है तो उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। आप चाहे तो इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे। इसके बाद आप अपना विलेज या टाउन चूज करेंगे, यहाँ पे आप अपना मकान नंबर डालेंगे, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको उसकी जानकारी देनी है, बट अगर आपका
आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो इस कंडीशन में आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि कौन सी गाड़ी चलाने का आपको लाइसेंस बनवाना है। इन केस की मान लीजिए आपके पास केवल मोटरसाइकिल है और उसका लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं चलाने के लिए, तो आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर वाला ऑप्शन चूज करना है एंड इसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है तो आपका ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड वाले ऑप्शन में चला जाएगा। इन केस की अगर आप फोर व्हीलर गाड़ी भी चलाना चाहते हैं जिसका आपको लाइसेंस बनाना है तो इस कंडीशन में आपको LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये भी ऑप्शन सिलेक्टेड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो और भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं बट यहाँ पे आप जो भी ऑप्शंस चूज करेंगे उन सभी का जो फी पेमेंट है वो अलग अलग होता है। तो ज्यादातर लोग जो अपना लाइसेंस बनवाते हैं वो बनवाते हैं LMV और MCWG वाला यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल यानी कि फोर व्हीलर। बट दोस्तों मैं यहाँ पे अपना लाइसेंस केवल मोटरसाइकिल के लिए बनवाना चाहता हूँ तो मैंने मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन चूज किया। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि क्या इससे पहले आपका कोई लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हुआ है, अगर हुआ है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि क्या आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल से कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है या नहीं, अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है और उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का जिसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1। सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस ये पूछता है जिसमें आपको यहाँ पे यस या नो में अपने आंसर देने होते हैं। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैसेज दिखेगा, इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी उसमें डेथ हो जाती है तो क्या आप अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो जाता है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कॉपी करके रख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही अगला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही अगला पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है यानी कि हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल को फिल कर लिया है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा जिसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में चूज करना होगा कि एज प्रूफ या एड्रेस प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना एज प्रूफ चूज करना होगा जिसके लिए हम एज प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रूफ में आपको चूज करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तो चलिए हम आधार कार्ड अपना लगाएंगे तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे इश्यूड बाय में आपको लिखना है UIDAI। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने अपने आधार कार्ड की फाइल रखी है वो फाइल चूज करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG या JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज 500 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम आ चुके हैं थर्ड स्टेप में जहाँ पे हमें अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा जिसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही अगला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने फोटो रखा है अपना फोटो चूज करेंगे। ऐसे ही आपको अपना सिग्नेचर चूज करना है। फोटो एंड सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे एक इंसर्टेड सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखेगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं फोर्थ स्टेप पे, जहाँ पे हमें अपना फी पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फी पेमेंट की डिटेल देखने को मिल जाती है कि कितना पेमेंट आपको करना होगा। तो स्टार्टिंग में आपने जो भी व्हीकल चूज किए थे चलाने के लिए, जिसका आपको लाइसेंस बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट शो करता है कि आपको कितना पेमेंट पे करना है। तो हमने केवल मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन चूज किया था, जिसके लिए हमें केवल यहाँ पे 200 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हम पेमेंट ऑप्शन में चूज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो शो कर रहा है वो कैप्चा डालेंगे और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको स्टेट बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका कोई और बैंक का डेबिट कार्ड है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है पेमेंट कंफर्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसीट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना है और होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे चार स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चले गए हैं पांचवे स्टेप पे, जहाँ पे हमें अपने लर्नर लाइसेंस के लिए एक स्लॉट बुक करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने लर्नर लाइसेंस टेस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे कलरफुल यहाँ पे डेट्स देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन कलर में जो भी डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, उसमें से कोई भी एक डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसी डेट में आपको अपने लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आपको अपने आरटीओ ऑफिस पे जाना होगा। तो चलिए हम कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा टाइम, यानी कि इस डेट में आप किस टाइम पे जाना चाहते हैं, वो टाइम आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए हम कोई भी एक टाइम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको बुक स्लॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक सिक्योरिटी कोड भेजा गया है, वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म टू स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो चुका है और अब आपको यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है या फिर आप चाहे तो इसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप स्टेटस में देखेंगे तो सभी के सामने कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यानी कि सभी स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है आरटीओ लेवल पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी, यानी कि आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाया जाएगा, उस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, रोड सेफ्टी के बारे में उसमें बताया गया है, ये मैंडेटरी है, आपको ये वीडियो देखना ही होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज करेंगे हिंदी। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्ले का, प्ले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाएगा, जिसमें आपको रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वीडियो को बैक नहीं करना है जब तक कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाता। वीडियो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्मेशन का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट। अब आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस पे जाना होगा। यहाँ पे अगर आप एलएल
टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे RTO ऑफिसेस का ऑनलाइन LL टेस्ट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे स्टेटस में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है RTO लेवल पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर आना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार लिंक आपको देखने को मिलते हैं, पहला है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड, तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, चौथा है प्रिंट LL स्लॉट। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शंस पे 1x1 क्लिक करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना है। इन सभी का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसके साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे, जैसे कि ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपने अपना मार्कशीट यहाँ पे चूज किया था 10th का या फिर 8th का, तो वो भी मार्कशीट आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है एक फाइल के अंदर। इसके बाद इस फाइल को आपको उस RTO ऑफिस पे लेके जाना होगा जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। RTO ऑफिस पे जाने के बाद वहाँ पे आपका एक फोटो कैप्चर होगा, वहाँ पे आपका सिग्नेचर कराया जाएगा एंड इसके बाद आपके लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट है वो भी वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है टेस्ट का वो भी उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, लर्नर लाइसेंस के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे मैंने एक अलग से PDF फाइल बनाया हुआ है। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा। RTO ऑफिस से आने के बाद आपको 10 से 15 दिनों का वेट करना है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस जारी कर देती है तो उसके बाद आप अपना लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आपको अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। 6 महीने के अंदर ही आपको अपने लर्नर लाइसेंस से ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लर्नर लाइसेंस जनरेट होने के 1 महीने के बाद ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने लर्नर लाइसेंस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो है पार्ट नंबर 2, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आपको अपना लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें नहीं मालूम है कि वे अपना लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे Instagram पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।